आज मैं भी आज तो मेरा काम भी नहीं हुआ और ना तो मैं नहाई और ना तो मुंह धोया और आज मैं ऐसी वीडियो बनाने लग गई क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है। इसलिए रात को बाहर बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई थी तो कपड़े लाते लाते मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ठंड बाहर बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, इसलिए मेरे को ठंड लग गई और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई घर पर आके। अभी सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाश्ता बनाना है, खुद खाना है, फिर दवाई खानी है, कुछ भी काम नहीं हुआ, आज ऐसे ही पड़ा हुआ है। घर में करने वाला कोई भी नहीं, अकेली मैं ही हूँ किसी का सहारा नहीं होता। अब घर में एक औरत अकेली होती है तो किसी का सहारा नहीं होता, अब क्या करें, नहीं है तो अब दवाई खाऊंगी, आराम मिलेगा जब जाके काम करूंगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। अब बेटा पेपर देने गया है, लड़का आएगा स्कूल से, जब वो नाश्ता पा खाना मांगेगा दूंगी, देखते कैसा क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। बहुत ठंड थी कल दिल्ली में, बहुत ठंड थी यार दिल, आज वैसे भी आज भी ठंड है, रोज ठंड है दिल्ली में। अब तो दिल्ली में और ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ठंड लगती है। अब लगने वाला है जनवरी को, टाइम रह गया है तो अब जनवरी लगेगा, अब देखते हैं और कितनी ठंड लगती है, ठंड ठंड होती है कल मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, मेरे को कपकपी चल रही थी, बहुत कपकपी चल रही थी, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते ना कि हाथ पैर सेक लो, ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर सेक लो और बैठ जाओ हीट के आगे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब कुछ दिनों के बाद घर पे रह कर आऊँगी मम्मी के घर पे, तो वहीं पे मुझे आराम मिलेगा क्योंकि ठंड में अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं मम्मी के घर पे रह कर आऊँगी कुछ टाइम के लिए क्योंकि ठंड पे मेरे बस की नहीं है काम, घर का काम करने के लिए। बस बच्चों के पेपर ख़त्म होने वाले हैं, थोड़े दिन वहीं रह कर आऊँगी। मम्मी भी कहती है आ जा घूम जा, तो दोस्तों मैं वहीं पे रह कर आऊँगी। और आपने मेरा मुझे मेरा बहुत साथ दे रहे हैं और प्लीज़ आप मेरा साथ दे रहे हैं, ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें और मेरी से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और व्यूज़ बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक करिए। आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, वैसी वीडियो भी बनाऊंगी। और आप तो देखो टीवी भी नहीं चला रखा, सब बंद है, हस्बैंड पूजा भी नहीं करके गई, ये देखो दीपक भी नहीं जल रहा है क्योंकि नहाए भी नहीं है। और ये मेरे देखो यहाँ के जो पौधे हैं सब हटे पड़े हैं क्योंकि कल मैंने इनमें खाद डलवाई है, बहुत ऊपर पौधे रखे हुए हैं, इसलिए अब 10-12 दिन हो जाएंगे जब मैं पौधे को नीचे लेकर आऊँगी, जब रखूँगी नीचे। और मंडे का क्रिसमस डे है, मंडे को 25 तारीख है और 25 तारीख को देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। एक हाथ से फ़ोन पकड़ दे दर्द होने लगता है बहुत। तो दोस्तों आपने मेरे को इतना सपोर्ट करे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आप बस मेरे सपोर्ट करते रहिए, बस माता रानी की दुआ है तो मेरा काम जल्दी बन जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, पता नहीं औरतों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, जब उनको मेंटेनेंस होता है तब प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, कमर दर्द होता है तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, सर्दी हो जाए तो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, औरत को हर एक एक प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। आदमी तो चल झेल भी लेगा, औरत कहाँ से इतना झेलेगी। और मेरे तो इतने इतने तीन चार ऑपरेशन हो रहे हैं तो मैं कहाँ तक झेलूँगी अपना शरीर। मेरा शरीर ने काम करना इतना कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरी जो किडनी ख़राब है,
और किडनी सिकुड़ रही, ख़राब नहीं है इसको, किडनी सिकुड़ रही है तो मेरी उसकी दवाई चल रही है। तो देखो अभी तो मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं उसमें कितनी बढ़ रही है कि वही भी वही है कि क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो मुझे अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर के पास दिखाना है और मैं दवाई लेने के लिए 25 तारीख को निकलूँगी यहाँ से और जाऊँगी मैं। अब फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और वैसे तो जब 4 महीने से लगभग मुझे 4 महीने हो गए दवाई खाते खाते, तो ऑब्वियसली तो किडनी तो थोड़ी बहुत बढ़ चुकी होगी क्योंकि पहले से मुझे बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। पहले से तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी जितनी पहले दिक्कत होती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। ये समझ लो अब तो मैं घर का काम कर भी पाती हूँ, नहीं तो पहले मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी घर का काम। हाँ पर अभी यह है कि मैं ठंड में कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, मुझे मालूम हो गया क्योंकि दवाइयाँ वैसी ही हैं थोड़ी तो गर्म और ठंडी पता नहीं कैसी दवाई, तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती। बाहर जाते ही मेरा हालत ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। अब हालत ख़राब मेरी इसलिए हो गई क्योंकि मुझे परसों मेरे बेटे के स्कूल जाना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे कोई बात हो गई थी, गौरव की टीचर ने क्या कहते हैं मेरे लड़के को थप्पड़ मारा था, वो भी गलती से लग गया था उसके, तो मैं गई थी तो फिर मेरे बेटे की सारी गलती बताई, मैम आपके बेटे की सारी गलतियाँ ये वो फलांडी का उन्होंने बताया और कुछ प्रॉब्लम है जो मैं इस पर नहीं बता सकती फ़ोन पे। तो हमने अपने बेटे को भी चिल्लाया और प्रिंसिपल को भी मैंने बोला और जिसने मारा था मैंने उनको भी बोला था मैडम के लिए। तो मैम आज के बाद चाहे मेरे बेटे की कितनी भी गलती हो, मैं मानती हूँ उसकी गलती होगी कहीं ना कहीं, पर आज के बाद आप मेरे बेटे को ऐसे नहीं मारना क्योंकि हम भी नहीं मारते, क्योंकि उसने यहाँ मारा था, यहाँ पे पूरी यहाँ किसकी ख़राब हो गई थी, सूज गई थी और परसों तो उसके दोनों आँखें दर्द कर रही थी और लाल हो रही थी और सूज रही थी उसकी आँखें। अब कल तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसको देख नहीं पाई। अब कई दिन से बोल रहा है मम्मी मेरे आँख में दवाई डाल दो दवाई डाल दो, रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हालत ख़राब होती इसलिए मैंने डाल नहीं पाई। अब स्कूल से आ जाएगा जब उसको बोलूँगी जब उसके मैं दवाई डालूँगी। पता नहीं औरतों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती, जब औरत ही घर में सही होगी तो ये तो सबको देख पाएगी, जब औरत ही घर में सही नहीं होगी तो किस किस को देखेगी, वो अपने आप को देखेगी, बच्चों को देखेगी, किसको देखेगी, वो आदमी को देखेगी, किसको देखेगी वो और आज के टाइम सब अपना अपना, सबको अपना अपना अच्छा लगता है, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली ये बात तो है, आज की दुनिया में इतना घमंड भरा पड़ा है, इतना घमंड भरा पड़ा है, भगवान ऐसी दुनिया कभी ना आए जैसे आपके टाइम चल रहा है, ये लोग यहाँ का माहौल। अब लोग बहुत से बुराई करते हैं, तेरे मुंह से अच्छी बोल, तेरे मुंह पे अच्छी बोल देंगे और पीठ पे जब तुम फिर तुम लोगों की बुराई करते हैं, कितना गलत लगता है ये। जब हम मैं बोलती हूँ ना तो मैं मुंह पे बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ, पीठ पे वार नहीं करती, चाहे मैं कैसी भी हूँ, अच्छी बुरी हूँ अपने लिए, पर एक पॉइंट है चाहे अच्छों के लिए अच्छी हूँ बुरी के लिए बुरी हूँ, कोई जैसा मेरे संग बर्ताव करता है फिर उससे 2 गुना मैं ज़्यादा बर्ताव करती हूँ उसके साथ। मैंने यहाँ के भी लोगों को देखा है, यहाँ के भी लोग ऐसी हैं, मतलब ही हैं, बस एक से मैं बना कर रखती हूँ, बातचीत करती हूँ उनके साथ ही मैं हर जगह चली जाती हूँ, वो भी मेरे संग चली जाती हैं, कहीं मेरे को मना नहीं करती। बस लोगों को क्या चाहिए होता है, प्यार मोहब्बत तो चाहिए होता है, बस इंसान अच्छी बात बोलता है तो अच्छा लगता है और क्या करा जाए इसमें। पर आज की जनरल नॉलेज है बस पूछो मत ना, ऐसी चल रही है बहुत ज़्यादा, मेरा घुटने में दर्द हो रहा है। अभी तो घर का काम भी करना है, उठ के पैर झाड़ू पोछा करना है, मुँह हाथ धोना है, फिर नाश्ता करना है। अभी तो मुझे और करना पड़ेगा, क्या करूँ, ये भी ज़रूरी है। अभी छोटा बेटा सो रहा है, मंच सो रहा है छोटा बाबू, बड़ा पेपर देने गया हुआ है, पेपर दे के आएगा वो 11-11:30 बजे तक आ जाएगा पेपर दे के। अभी तो लगभग 10 बजने वाले हैं, 2-4 मिनट रह गए 10 बजने। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉक में, और इसी तरह से मुझे प्यार दुलार देते रहिए और इसी तरह से मेरी वीडियो शेयर करते रहिए
और मेरे वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें प्लीज़ दोस्तों। मेरे मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करो बहुत ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों। बाय।